आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सोनी निगम। शुरुआत करते हैं मुख्य घटनाओं से। अभेद्य होगी गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था, जवानों को हाईटेक सुरक्षा उपकरणों से किया गया लैस। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया अपना 42वां स्थापना दिवस। गोरखपुर शहर को सुंदर बनाने का अभियान शुरू, अतिक्रमण हटाने के लिए चला बुलडोजर। स्कूल चलो अभियान के तहत रैली निकालकर दलित एवं दिव्यांग बच्चों को किया गया जागरूक। और नवरात्रि के मद्देनजर बसियाडी मंदिर में लगा भक्तों का तांता। अब खबरें विस्तार से। गोरखपुर जनपद के गोरखनाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर सुरक्षा में तैनात सिपाहियों पर हमले के बाद एक बार फिर से मंदिर की सुरक्षा पर मंथन शुरू कर दिया गया है। एडीजी अखिल कुमार ने एसएसपी से जांच कर सुरक्षा का नया प्लान तैयार कर प्रस्ताव मांगा है, तो वहीं मंदिर गेट के पास पुलिस पिकेट लगाने के साथ ही मंदिर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों को हाईटेक सामानों से जैसे बॉडी प्रोटेक्टर, डंडे, हेलमेट और वेपन सहित कई अत्याधुनिक सामानों से लैस कर दिया गया है और ये जवान मंदिर परिसर में आने वाले लोगों की पूरी गहनता से चेकिंग करने के बाद ही मंदिर में प्रवेश करने दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बुधवार को पूरे देश में अपना स्थापना दिवस मना रही है। इसी क्रम में गोरखपुर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपना स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में बेनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय पर ढोल नगाड़ों के बीच अपना स्थापना दिवस मनाया। क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि आज बीजेपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और हमने बीजेपी के झंडे के साथ प्रभात फेरी निकालकर इस दिन को मनाया है। 10 बजे से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी आज सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस पर उनका लाइव कार्यक्रम होगा, 1 घंटे का उद्बोधन होगा। पार्टी के सभी कार्यकर्ता जहाँ सभी मंडलों में सभी जिला मुख्यालयों पर माननीय प्रधानमंत्री जी को आज सुनेंगे, वहीं हमारे सभी बूथ पर भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता किसी न किसी कार्यकर्ता के घर इकट्ठे होकर के टेलीविजन पर लाइव कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनेंगे। गोरखपुर जिले में कई ऐसे मंदिर और शक्तिपीठ हैं जहां नवरात्र पर भक्तों का तांता दर्शन के लिए लगा रहता है। ऐसा ही एक मंदिर गोरखपुर के राप्ती नदी के किनारे बना माता बसियाडी का है, जहाँ भक्तों का तांता माता के दर्शन के लिए लगा रहता है। श्रद्धालु यहाँ नारियल चुनरी चढ़ाने के साथ ही यहाँ पारिवारिक पूजा भी करने आते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यहाँ मांगी हर मुराद माता रानी पूरा करती हैं। और हमारे पुरखों के समय से हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, बहुत ही श्रद्धा है और माता जी का प्रेम है कि हम लोग को यहाँ पे खींच लेती है। ऐसे ही नवरात्र आता है, अपने आप दिमाग में आने लगता है कि माता की दर्शन के लिए। तो आप लोग मतलब बचपन से यहाँ आते रहे? हाँ, बचपन से हम लोग आ रहे हैं। हम लोग के बच्चों का मोहन भी यहीं से होता है, बहुत माता के प्रति श्रद्धा है। क्या मानती हैं कि यहाँ मांगी मुरादें पूरी होती हैं? जी हाँ, मांगी मुरादें पूरी होती हैं। माता बहुत शक्ति भी देती है, यहाँ पे आने के बाद बहुत ही अच्छा आनंद लगता है। गोरखपुर में ऑटो चालक संजय कुमार के ईमानदारी की हर तरफ तारीफ हो रही है। दरअसल ऑटो चालक संजय को बस स्टैंड के पास एक मोबाइल सड़क पर गिरा मिला, जिसे उन्होंने ट्रैफिक कार्यालय पर लाकर जमा कर दिया, जिसके बाद यातायात पुलिस ने मोबाइल नंबर पर कॉन्टेक्ट कर मोबाइल स्वामी सुनील सिंह को बुलाया और मोबाइल सौंप दिया।
इस संबंध में ऑटो चालक ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। क्या छूटा हुआ सड़क पे गिरा हुआ सामान किसका होता है, उसके बाद कहीं मिला है? नहीं, फोन नहीं कहीं मिला है। एक आदमी था उससे भाई कहे कि भाई मिलाइए नंबर, नहीं मिला पाया। हम भैया कैसे भरे लाख जमा कर देंगे। ठीक है, आज क्या हुआ? अब आज क्या, वो जिसका मोबाइल है वो पा गया अपना। क्या करना चाहेंगे आपको इस तरह का जो भला कार्य कर रहे हैं? भाई अच्छी बात है, जिसकी मोबाइल है मिल जाए, उसमें बहुत से डॉक्यूमेंट्स होती है और भी बहुत सी चीज़ें होती है जो आदमी को नहीं मिल पाता। फिर कितने मजबूरी से आदमी कहाँ से पैसा ले करके वो खरीदता है मोबाइल की, ये भी तो बात है। कहाँ पे गिरा मोबाइल? टेम्पो स्टैंड के पास। वहीं SP ट्रैफिक MP सिंह ने कहा कि ऑटो चालक ने जो ईमानदारी की मिसाल पेश की है वो अन्य के लिए नजीर है। भारत शहर के ऑटो ड्राइवर संजय कुमार ने ईमानदारी और मानवता का परिचय देते हुए उनके लिए सड़क पर एक मोबाइल पड़ा हुआ मिला था। वो मोबाइल लाके उन्होंने ट्रैफिक कार्यालय में दिया और ट्रैफिक कार्यालय में हमारी ट्रैफिक पुलिस की टीम ने उसके ऑनर के लिए सर्च किया। ऑनर को सर्च करके बुलवाया, जो कि एक LIC के कर्मचारी हैं और बगल में बड़रौना कुशीनगर में कार्यरत हैं। उनके लिए बुला के उनको सपोर्ट किया। उनके द्वारा ट्रैफिक पुलिस की और ऑटो ड्राइवर की दोनों की भूरभूर सराहना की गई। ऐसे कार्यों से एक पुलिस के बारे में और ऑटो ड्राइवर्स के बारे में एक अच्छा संदेश उन्होंने और मोटिवेशन दिया हम सब के लिए, ये एक अच्छी बात है। इस तरह के अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गोरखपुर के जिला प्रशासन, नगर निगम व पुलिस की टीम ने रेलवे स्टेशन से अभियान शुरू किया। इस दौरान रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, कार्मल रोड सहित अन्य स्थानों पर किए गए अतिक्रमण को टीम ने ध्वस्त किया। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन, SP ट्रैफिक MP सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में नगर निगम प्रवर्तन दल की टीम के प्रभारी कर्नल CP सिंह ने कहा कि दोबारा अतिक्रमण करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। तो काफी जो पुकी छज्जे वो सब हटाए गए हैं। एक यहाँ सामने मंदिर है, इसके अंदर घुमटी, इसको भी व्यवस्थित कर रहे हैं जिससे साफ मंदिर में आदमी के दर्शन हो सके और इसकी आड़ में कोई उल्टा काम ना हो सके, तो ये भी हम लोग कर रहे हैं। आगे जनपद के लघु सिंचाई खंड में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ महानगर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन मंडल आयुक्त को सौंपा। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के पदाधिकारियों का आरोप है कि लघु सिंचाई खंड गोरखपुर के तैनात अधिशासी अभियंता महेंद्र सिंह आए दिन फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों से 50% तक कमीशन की मांग करते हैं और जब कोई भी कर्मचारी उनका विरोध करता है तो वो कर्मचारियों को फर्जी आरोप में फंसाने की धमकी देकर उनका उत्पीड़न करते हैं। हम लोग लघु सिंचाई विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार जो XCN के द्वारा यहाँ कराया जा रहा है और यह कह के कराया जा रहा है कि ऊपर तक हमको पैसा पहुँचाना है, जो पाइप की मानक है उस मानक के विपरीत 50% तक कमीशन लेकर उनको मजबूर किया जा रहा है कि घटिया किस्म का पाइप डाल के बोरिंग की जाए, जिससे किसानों को बहुत दिक्कत हो रही है। इसलिए हम ये अपना ज्ञापन देने आए हैं श्री आयुक्त महोदय को कि इनके ऊपर जांच कराकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पूरे प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के तहत शुरू किए गए स्कूल चलो अभियान के क्रम में गोरखपुर जनपद स्थित गाहिरा गाँव के प्राथमिक विद्यालय से एक रैली निकालकर ग्रामीण क्षेत्र के दलित एवं दिव्यांग बच्चों को इस अभियान से जोड़ने के लिए जागरूक किया गया। इस रैली में प्राथमिक विद्यालय के खेल प्रशिक्षक बाल मुकुंद निषाद के साथ प्रधानाचार्य कालिंदी देवी भी मौजूद रहीं। क्षेत्र में गरीब बच्चे पढ़ते हैं जिसके वजह से हम लोग सोचते हैं कि डोर टू डोर जा करके बच्चों को हम लोग जागरूक करें और ताकि हमारे गरीब बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़े और गरीबी दूर हो। मौके पर गोरखपुर नगर निगम में 1992 में भारत का ओलंपिक खेलों में प्रतिनिधित्व करने वाले नरेंद्र सिंह बिष्ट का सम्मान किया गया। इस दौरान महापौर सीताराम जायसवाल ने उन्हें मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इस मौके पर महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को लेकर काफी गंभीर है और देश विदेश में नाम कमाने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन का हर संभव प्रयास कर रही है, जिसको देखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पूरे देश में खेलो इंडिया एक अभियान चलाया है, इसके तहत हर ब्लॉक स्तर पर खेल के मैदान बनाए जा रहे हैं कि भारत से अच्छी प्रतिभा निकले और अपने देश के साथ साथ और भी बाहर के में ओलंपिक में अपना स्थान करें।
वासंतिक चैत्र नवरात्र के पांचवें दिन गोरखनाथ मंदिर स्थित मां दुर्गा गर्भगृह तथा मंदिर परिसर में स्थित मां दुर्गा मंदिर में माता स्कंद देवी की पूजा अर्चना तथा आरती गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ जी ने किया। इस अवसर पर कलश पूजा के साथ गणेश पूजन और भगवती पूजन पाठ एवं आरती 11 संस्कृत के विद्यार्थियों द्वारा किया गया। डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी, डॉक्टर रोहित कुमार मिश्रा, श्री पुरुषोत्तम चौबे, श्री नित्यानंद तिवारी आदि ने पूजा संपन्न कराया। इसके पूर्व बुधवार ब्रह्म मुहूर्त में माता स्कंद देवी की पाठ एवं आरती भी की गई। बस्ती वाणिज्य कर विभाग में तैनात असिस्टेंट कमिश्नर प्रवर्तन आशुतोष मिश्रा को मुंबई पुलिस की इंटेलिजेंस टीम ने अरेस्ट कर लिया है। असिस्टेंट कमिश्नर आशुतोष मिश्रा को अरेस्ट कर कोतवाली लाया गया, जहां से मेडिकल के बाद मुंबई पुलिस और बस्ती कोतवाली पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। आपको बता दें, असिस्टेंट कमिश्नर प्रवर्तन आशुतोष मिश्रा का साला सौरभ तिवारी मुंबई कैडर का IPS है, जो मुंबई पुलिस में DCP के पद पर तैनात था। मनी एक्सटॉर्शन के मामले में पिछले कई महीनों से फरार चल रहा है। मुंबई पुलिस को उसकी तलाश है। एक्सटॉर्शन मामले में मुंबई पुलिस ने एक FIR दर्ज की, जिसमें फरार IPS सौरभ तिवारी और बस्ती में तैनात असिस्टेंट कमिश्नर प्रवर्तन आशुतोष मिश्रा का नाम शामिल था। आज मुंबई पुलिस की इंटेलिजेंस टीम ने वाणिज्य कर कार्यालय से असिस्टेंट कमिश्नर प्रवर्तन आशुतोष मिश्रा को अरेस्ट किया। माना जा रहा है कि ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई पुलिस उनको अपने साथ ले जाएगी। गिरफ्तारी की जा रही है, क्या एक्चुअल में रीजन थे और क्या कारण थे गिरफ्तारी के, और इस वक्त जब तक जानकारी पुष्ट नहीं हो जाती तब तक इस पर कुछ कहना ठीक नहीं रहेगा। अभी न्यायिक प्रक्रिया के तहत उनको गिरफ्तारी की गई है और अभी गिरफ्तार करके CGM कोर्ट में पेश किया गया। खबर UP के बलिया से है, जहां बलिया में अंग्रेजी पेपर लीक मामले में अब राजनीतिक पार्टियों ने अपना समर्थन करना शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी कार्यालय पर क्रांतिकारी लोक अधिकार पार्टी ने पत्रकारों के मामले को लेकर अपना धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। डॉक्टर सत्यनारायण ने कहा कि पेपर लीक की खबर देने वाले पत्रकार हैं, उन पर फर्जी मुकदमा लगाकर जेल में बंद कर दिया गया है। जो है जो अंग्रेजी इंटरमीडिएट कॉलेज इंटरमीडिएट का जो पर्चा लीक हुआ है, तो लीक होने का जो खबर देने वाले जो पत्रकार हैं उन पर जो है फर्जी मुकदमा लगा करके जो है जेल में बंद कर दिया गया है। उसी के विरोध में हम लोग मानते हैं कि यह जनवाद का मामला है और किसी के साथ जो इस तरह का यदि हो रहा है तो क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन ऐसे संघर्षों के लिए हमेशा जो है तैयार रहता है और उसी के विरोध में हम लोग धरना और ज्ञापन आज देने के लिए आए हुए हैं। घटना के आज के अंक में बस इतना ही। तेज सटीक और ताजी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज़ नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।